Family, Sadhguru Siram, Mehmana Nigrani, और मेरे अजीज सुलभा, आज एक तवील राजस के बाद एक खुशी का मौका है। एक जमाना था जब खेलकूद की सरगर्मियों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कहा जाता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता माहिरी तालीम ने इन सरगर्मियों की अहमियत को महसूस करते हुए इसे निसाब का हिस्सा करार दिया और को करिकुलर एक्टिविटी का नाम दिया। तो ये एक महीना इन्हीं सरगर्मियों के नेता के बच्चों की जो खुफिया सलाहियतें हैं वो उजागर हों, और उस सिलसिले में मैं डिस्ट्रिक्ट बटाग्राम के तमाम प्रिंसिपल्स और हेड मास्टर्स का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने ये जिम्मेदारी जो स्पोर्ट्स के जनरल सेक्रेटरी की होती है मेरे हवाले की। और मैंने कोशिश की, मैंने एक नारा दिया, मैं जो पहली मीटिंग थी टूर्नामेंट की उसमें मैंने कहा कि मेरी कोशिश होगी कि जीत खिलाड़ी की हो और खेल की हो, हमारी अला की ना हो। और मैंने ये भी कहा कि डिस्ट्रिक्ट के हर स्कूल का बच्चा मेरा बच्चा है और मैं कोशिश करूंगा कि जिसके अंदर टैलेंट हो, जिसके अंदर जीत की लगन हो, जिसके अंदर जीत का हौसला हो वो जीते और वो जो है इनाम हासिल करे। और अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले में मुझे पूरे जो मेरी टीम थी एग्जीक्यूटिव कमेटी जिसके टूर्नामेंट और उसके अलावा तमाम हेडमास्टर्स पीटी साइबर असातिज़ा इकराम इनका तआवुन हासिल रहा। और मैंने हर मैदान में कोशिश की कि गैर जानिबदार जजमेंट हो और बच्चों को अपनाइयत का जो एहसास हो जाएगा जिस मुकाबले में वो हिस्सा लें और वहां पर जिसके अंदर टैलेंट हो वो सामने आए। और अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश में हम कामयाब रहे और इंतहाई गैर जानिबदारी के साथ ये अमल जो है वो तकमील को पहुंचा। इस टूर्नामेंट की जो खास बातें हैं जो इससे पहले के टूर्नामेंट में नहीं हुई, इसमें हमने जियो साहब के की खसूसी हिदायत पर इसमें साइंस एग्जीबिशन आर्ट एंड मॉडल ड्राइंग एग्जीबिशन का इजाफा किया, इसके अलावा क्लाउडिंग का इजाफा हुआ और डिस्ट्रिक्ट में पहली दफा पीटी और एमटी के मुकाबले हुए यहाँ पर। तो ये एजाज हमारे जियो साहब को जाता है और टूर्नामेंट की एग्जीक्यूटिव बॉडी को जाता है कि इस दफा हमने नए आइटम्स का इजाफा किया और इसके बावजूद टूर्नामेंट जो है बहुत खुशअसलूबी के साथ इख्तिताम को पहुंचा। और इन चीजों में जो ये आर्ट और मॉडल ड्राइंग के स्टॉल आज भी लगे हुए हैं, साइंस एग्जीबिशन के स्टॉल लगे हुए हैं, आप खुद मुलाहिज़ा फरमाएंगे, तो इन चीजों में तलबा ने इंतहाई दिलचस्पी, उनकी जो तकनीकी सलाहियतें हैं वो हमने महसूस की और हमने देखी थी कि किस खूबसूरती के साथ उन्होंने अपने ख्याल को आमी जामे पहनाए यहाँ पर और मुख्तलिफ मॉडल तैयार किए, साइंस के मॉडल तैयार किए और आर्ट एंड मॉडल ड्राइंग के मॉडल तैयार किए। तो ये चीजें इस दफा जो है एक खूबसूरत इजाफा की। इसके अलावा क्वार्टर मेकिंग के मुकाबले हुए, खुशखबरी के मुकाबले हुए पहली दफा, मजमून नवीसी के मुकाबले यहाँ पर हुए, तो रंगारंग मुकाबलों का ये एक मेला था जो तकरीबन डेढ़ महीने जारी रहा। उसमें मैं अपने स्कूल के असातिज़ा का खुसूसी तज़किरा करूंगा कि वो हर लम्हा मेरे शाना बचाना रहे, हर मुकाबले में जहां पर मुझे जरूरत महसूस हुई मैंने उनको पुकारा और उन्होंने लबैक कहा और उनकी दावों की वजह से ये सारी चीजें मुमकिन हुई। इसके अलावा जो ग्राउंड इंचार्ज थे अदालत में थे, गुजराबाटा में थे, यहाँ पर हमीदा ग्राउंड में, तो उन्होंने भी
बिल्कुल मेरे विजन के मुताबिक, जो मेरी मेरा विजन था, जिस तरह मैं चाहता था, उससे बढ़कर उन्होंने वहां पर बहुत खूबसूरती से ये मुकाबले मुनक्द कराए। मैं सबका मशहूर हूँ। इसके साथ साथ मैं मिडिल स्कूल का जो टूर्नामेंट था उसके जनरल सेक्रेटरी हयात खान साहब का भी मशहूर हूँ डिपार्टमेंट की तरफ से, और उनकी टीम था कि उन्होंने बहुत हौसले के साथ, बहुत सही सामग्री के साथ जो है अपना टूर्नामेंट जो है वो मुनाकिद किया। आज के ऐसे छमासी वसात से मुख्तसर बात करूंगा क्योंकि मौसम का कुछ पता नहीं चल रहा। मैं राज्य से पेश करूंगा अपने बहुत ही ईमानदार टीचर जनाब मोहम्मद हनीफ साहब को, जो 31 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं। मैं उनको राज्य से पेश करूंगा। मैंने उनकी लगन देखी है स्कूल में, उनकी डिवोशन देखी है, उनकी मेहनत देखी है। 16 साल तक वो स्कूल के बास्केटबॉल टीम के इंचार्ज रहे और नाकाबिले तस्वीर रहे। उनके लिए सब बहुत तालियां। आज के इस तकलीफ के वसात से यहाँ पर हमारे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब ने जवेद इकबाल साहब बैठे हैं, यहाँ पर हमारे तहसील नाजिम जनाब नियाज मोहम्मद खान साहब तशरीफ फरमा हैं, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर साहब यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे हाजी अफजल हलीम साहब जो अजमेर यूनियन काउंसिल से डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबर हैं वो भी तशरीफ फरमा हैं, और दीगर कई मौजूदगीन यहाँ पर तशरीफ फरमा हैं। तो इस स्कूल के चंद मसाइल हैं, मुख्तसर में पेश करूंगा। सबसे पहली बात जो डिस्ट्रिक्ट का मसला है वो ये कि एबदाबाद बोर्ड हर साल जिला और हजारा डिवीजन के तीन डिस्ट्रिक्ट हरिपुर, एबदाबाद और मानसेरा, ये जो ट्रॉफी होती है मेरा टीम के लिए, ये वो मुहैया करती है। लेकिन पिछले साल उन्होंने 50,000 रुपए इन डिस्ट्रिक्ट को दिए थे। इस साल मुझे मेरे दोस्त ने बताया कि इन तीन डिस्ट्रिक्ट में पिछले साल 50,000 रुपए इन डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं और इस साल ट्रॉफी जो है वो बोर्ड ने मुहैया की है। मैंने बोर्ड के अखबार से रब्ता किया तो उसने कहा कि आप लेटर हमें भेजें, हम इंतजाम कर लेंगे। मैंने लेटर भेज दिया। उसके बावजूद बाद में मैं नवाज साहब जो वहाँ पर मौजूद थे उनसे मैंने रब्ता किया कि आप बोर्ड ऑफिस चले जाएं। तो जब वो थे मिले तो उन्होंने कहा कि हमारे पास तो ट्रॉफी खत्म हो चुकी है और ये जो है पहले आइए पहले पाई की बुनियाद पर होती है, उस तरह मुख्तलिफ बहाने जो है उन्होंने इस हवाले से बनाए। तो ये मैं आपके नोट्स में जाना चाहता हूँ कि हजारा डिवीजन के जो है वो पाकिस्तान की शमूलियत तो ज्यादा हो गए का मसला। तो ये जो रवैया है हमारे साथ इसके हवाले से बोर्ड से एहतजाज होना चाहिए। मैंने अपने तौर पर किया है और आप भी ऐसे एहतजाज में मेरे साथ शामिल होंगे कि बटग्राम तोरना पर अपने डिस्ट्रिक्ट का जिक्र करेंगे कि इनके साथ ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये खत्म की जाए, क्योंकि जो स्पोर्ट के पैसे होते हैं वो सारे डिस्ट्रिक्ट ले लेते हैं। तो फिर भी डिस्क्रिमिनेशन जो दो दो तीन साल से जारी है ये क्यों है और क्यों रखा जा रहा है। दूसरी बात, यहाँ पर हमारे स्कूल को जो मरकजी हैसियत हासिल है पूरे डिस्ट्रिक्ट में और यहाँ की जो पीटीओ हैवी प्लाटून है, जो भी प्रोग्राम होते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के एजुकेशन के, तो इसमें ये बच्चे मुजाहरा करते हैं। लेकिन इन बच्चों का मैंने पहले भी डीसी साहब से तस्करा किया था, प्रॉपर यूनिफॉर्म नहीं है एमजी और डीसी का। तो स्पोर्ट के हवाले से डिस्ट्रिक्ट के पास काफी फंड है, तो अगर इन बच्चों को ये यूनिफॉर्म फराहम किया जाए एमजी और पीटी मुकम्मल किट, तो ये पूरे डिस्ट्रिक्ट की रौनक होगी, पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए एक एहसास होगा। जब भी मेहमान आएंगे तो ये बच्चे जो है उनके सामने परफॉर्म करते हैं, उनको रिसीव करते हैं। तो इस हवाले से भी आपके जहन में ये बात होनी चाहिए। तीसरी बात, हमारे स्कूल में गवर्नमेंट इंजीनियर मॉडल हाई स्कूल बटाग्राम में 100 से ज्यादा बच्चे
वो दूर दराज इलाकों के बच्चे हैं जो यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं और मजबूरन उनको बाजार के होटलों में जो है रिहाइश इख्तियार करनी पड़ रही है। इस हवाले से डीओ साहब ने अपने तौर पर कोशिश की है और डायरेक्टर साहब यहाँ पर आए थे उनसे भी डिस्कस हुई है, लेकिन मैं खसूसी तौर पर नासिर नाजिम जनाब यार मोहम्मद खान साहब से गुजारिश करूंगा कि हमारे बिल्कुल पड़ोस में जो डीएमए ऑफिस थे जो आप खाली करवा रहे हैं अभी और आपकी नई बिल्डिंग बन रही है, तो ये बिल्डिंग अगर आर्थिक तौर पर स्कूल को हॉस्टल के लिए दी जाए तो जब तक डिपार्टमेंट की तरफ से हॉस्टल नहीं बनाया जाता यहाँ पर तो इन बच्चे ये बच्चे डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे जो 100 से ज्यादा बच्चे हैं और जो के होटलों में रह रहे हैं इंतहाई जो है वहाँ पर आपको पता है कि गंदा माहौल होता है तो ये बच्चे फैसिलिटेट हो जाएंगे। मेरी यही गुजारिश थी, मैं तमाम फिर आप सब मौजूद मेहमानों का प्रिंसिपल हेडमास्टर तमाम अटाचा और खसूसन जो प्रेस की टीम यहाँ पर आई है सबका शुक्रगुजार हूँ, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।